हाफिज साहब, इमरान खान का जो एंग्री नैरेटिव है, इट इज आस्ता आस्ता इट इज बेसिकली इवेपोरेटिंग। उन्होंने जो मतलब जबरदस्ती एक जो है ना, आप ये समझिए लड़ाई मोल ले ली है, वो सोशल मीडिया पे तो चल सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो स्ट्रीट टॉक है इसकी, वो इसकी सपोर्ट नहीं कर रही। और वो अदारा जो उनको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा नैरेटिव बना लेंगे ना गौरी साहब। ये जो अगर महंगाई वाला हो गया, देखे मैं आप तो बात कर सकते हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, दूसरे गरीब आदमी ने तो यही देखना है ना सामने की जी उसका गुजारा कैसे हो रहा है, आटा दाल चीनी। वो देखें अगर फर्स्ट क्या आप मुझे देखें ना, इमरान खान जहां से चले थे वो टीम और जो आजकल इनकी टीम है, अगर तो ये समझते हैं और लोगों को पता है, यकीन करते लोग इतने जाहिल नहीं है, लोग अनपढ़ हो सकते हैं लेकिन वो बेपना इंटेलिजेंट है, पोलिटिकली यू नो स्वाव है, उनको ये पता है कि इमरान खान की जो टॉप टीम है, जो कोर टीम है, वो टूट चुकी है। और जो बाकी लोग हैं ना, वो इसलिए नहीं जा रहे कि इसलिए कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में उनके पास जगह नहीं है। तो जो कुछ तो कह रहे हैं ना पॉलिसी, आप सिर्फ चार लोगों को गालियां दे के बुरे लफ्ज कह के अवाम के, मुझे आप इमरान खान के नैरेटिव के अंदर, इस वक्त जो नैरेटिव है उसके अंदर अवाम की बेहतरी का कोई अगर मैसेज है तो वो मुझे प्लीज मेरे साथ जरूर रिपीट करें। इमरान खान को ये याद रखना चाहिए था कि वो 30-31% के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, दैट मीन 69-70% पाकिस्तान वॉज नॉट विद हिम। और जब आप उनके लीडर्स को चोर डाकू लुटेरा ये कहेंगे, हो सकता है उन लोगों को ये बात पसंद ना आए, हो सकता है आप उनके फेवरेट लीडर ना बने। लिहाजा पॉलिटिक्स के अंदर यू हैव टू बी रियलिस्ट, यू डोंट एक्चुअली हैव टू बी प्रैग्मेटिस्ट ऑल द टाइम।